Hello friends, welcome back to the channel. The tune that we are going to learn today is a Krishna flute tune from Mahabharata. At one hand, this tune is very soothing and calming. On the other hand, this tune is going to require a lot of patience and practice to learn. To learn this tune, we are going to use a D natural medium scale flute. If you have flute of any other scale, you don't have to worry about that. You just have to follow the notations that are going to come on the screen. These notations are going to work for any kind of flute with any scale. So you don't have to worry about the scale of flute. Just grab the flute that you have and play along with me. So friends, I have started giving lessons on flute, guitar or piano online via Zoom or Google Meet. So if you are interested, if anyone in your acquaintance is interested in learning these beautiful instruments, you can DM me on Instagram. My Instagram handle is anurag_soumya. You can also mail me at soumyaanurag@gmail.com. So let's again jump into the lesson. Thanks. So we are going to divide this whole tune in two major parts. The first major part is having three small parts. A major second part is going to have 8 parts. So the notations for the first part are pa ni sa ni sa ni, pa ni sa ni sa ni ni, and then pa ni sa ni ni. Agar slowly dekhen to pa ni sa ni sa ni, pa ni sa ni sa ni ni, pa ni sa ni ni, pa ni sa ni sa ni, pa ni sa ni sa ni ni, pa ni sa ni ni. तो जब इसको फ्लो में प्ले करेंगे तो ऐसा सुनाई देगा. सो अगर स्लोली प्ले करें तो ऐसा सुनाई देगा. सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पोर्शन जो है इसको दो बार प्ले करना होगा, और दूसरी बार जब प्ले करेंगे तो सारे नोट्स सेम रहेंगे. सिर्फ आखिरी का जो नी नी है वो नी नी हटा देना है और एंड कर देना है सा पे. जब दो बार प्ले करेंगे तो ये फर्स्ट हुआ, और दूसरी बार ये यहाँ पर एंड कर देना है. तो जब इसको फ्लो में अपन सुनेंगे तो ऐसा सुनाई देगा. तो फर्स्ट पोर्शन के बाद जो सेकंड पोर्शन है उसके नोट्स हैं नी रे ग रे ग रे रे, नी रे ग रे ग रे रे, नी रे ग रे रे. तो यहां पर देख रहे हैं जो नी रे ग रे ग रे रे है वो दो बार रिपीट हो रहा है. सो नी रे ग रे ग रे रे, अगेन नी रे ग रे ग रे रे, एंड देन नी रे ग रे रे. तो यहाँ पर जितनी बार भी रे के बाद रे आया हुआ है, इमिडिएटली जो भी रे आया हुआ है उसको बहुत जल्दी जल्दी प्ले करना है. सो ये हो जाएगा, अगर स्लोली प्ले करें तो अगर और स्लोली प्ले करें तो यहां पर जो प्ले हो रहा है वो ऐसा है नी रे ग रे ग रे रे, फिर नी रे ग रे ग रे रे, और उसके बाद नी रे ग रे रे. फिर से नोटेशंस देखेंगे नी रे ग रे ग रे रे, फिर रिपीट नी रे ग रे ग रे रे, और उसके बाद नी रे ग रे रे. ये है नी रे ग रे ग रे रे,
नी रे ग रे ग रे रे नी रे ग रे रे। सो ये जो सेकंड पोर्शन है इसको भी दो बार अपने को प्ले करना होगा, और जब दूसरी बार प्ले करेंगे तो जैसा फर्स्ट पोर्शन में हमने किया था, लास्ट का जो दो नोट्स हैं यहाँ पर जो रे रे हैं उसको छोड़ देंगे और एंड करेंगे ग पे। सो लास्ट के दो नोटेशंस रे रे छोड़ना है और ग पे प्ले करना है जब इसको दो बार प्ले करेंगे। तो पहली बार ऐसा प्ले करेंगे, फिर दूसरी बार, ये अपन ने ग पे इसको एंड कर दिया। सो अगर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके बजाएं तो ऐसा बजेगा। तो इसको एक ब्रेथ में बजाना है, तब जाके ये वैसा साउंड करेगा जैसा एक्चुअल में ट्यून में साउंड करता है। सो द नोटेशंस फॉर द थर्ड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट मेजर पोर्शन आर प तीव्र म ग रे म ग रे सा सा नी नी सा, ये बजेगा ऐसा। सो प तीव्रमा, तीव्रमा मीन्स ऑल होल्स ओपन, दैट इज तीव्रमा। सो प के बाद तीव्रमा, फिर ग, ग के तुरंत बाद रे, और उसके बाद जो है ये शुद्ध मा बजाना है। शुद्ध मा यानी कि हाफ इसको ओपन या फिर हाफ इसको क्लोज, जैसा भी आपको कहना है ऐसा रखना है। सो प तीव्रमा पूरा होल्स, पूरे होल्स को ओपन करके तीव्रमा, उसके बाद ग रे, फिर फर्स्ट होल हाफ ओपन इज म, देन ग रे सा, और उसके बाद सा नी नी, दो बार ऐसा करना है। सो सा नी नी एंड देन सा अगेन, प तीव्र म ग रे, देन म शुद्ध म है, फिर ग रे सा, देन सा नी नी एंड देन सा, ये जो लास्ट था है इसको एक्सटेंड करना है। सो अगेन, तो ये इसके साथ कंप्लीट होता है जो फर्स्ट मेजर पोर्शन है, और इसके बाद जो मेन ट्यून है वो स्टार्ट होती है। सो जो सेकंड मेजर पोर्शन है वो ट्यून स्टार्ट होता है, यहाँ से। सो इसके जो नोटेशंस हैं इसको अपन आठ पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये रिलेटिवली ईजियर होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेजर पोर्शन। ओके, फर्स्ट मेजर पोर्शन में एक फ्लो है बहुत सारे नोटेशंस का, सो दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, जबकि ये जो नोटेशंस हैं ये रिलेटिवली ईजियर टू प्ले हैं। सो जो सेकंड मेजर पोर्शन है उसको आठ पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। द नोटेशंस फॉर द फर्स्ट पार्ट आर नी नी सा, देन सा सा रे। सो नी नी सा, जो सा है ये एक्सटेंड होगा एंड देन सा सा रे। यहाँ पर जो सा और रे है, जो नोटेशंस आपके स्क्रीन पे हैं उसमें जो सा और रे हैं इसको तेज ब्लो करते हुए हाई ऑक्टेव में बजाना है। इसका मतलब इसमें जो ब्लोइंग की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द यू नो जो नॉर्मल सा प्ले करते हैं उससे ज़्यादा आपको इंटेंसिटी से प्ले करना है। सो यू हैव टू प्ले इट लाइक,
यहाँ पर जो नोटेशंस बज रहे हैं वो हैं नी नी सा। तो ये जो नी है इसको प्ले करने के लिए अपन इसको ध से ऐसा उठाएंगे, सो बजाएंगे नी ही लेकिन इसको फ्लिक करते हुए ध से बजाएंगे। तो ऐसा प्ले करना है, नी को ध से प्ले करना है। सो ये नी से बजा रहे हैं, सो नी को ध से ले रहे हैं, सो नी नी सा और उसके बाद सा सा रे। इसके बाद आते हैं पोर्शन टू पे, सो वो है उसके नोटेशंस हैं सा नी ध प तीव्रमा। यहाँ पर जो सा बजाना है वो हायर ऑक्टेव का सा है। बजा रहे हैं सा, उसके बाद नी ध प और तीव्रमा। तीव्रमा मतलब सारे होल्स ओपन। सो ये जो सा बजेगा ये हायर ऑक्टेव में बजेगा और इसको नी से अपन फ्लिक करते हुए उठाएंगे। सो ये सा देन नी ध प और तीव्रमा। सो यहाँ पर भी जो तीव्र मा बज रहा है उसको एक्सटेंड करेंगे। तो अगर फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड नोट्स देखें तो वो है नी नी सा एंड देन सा सा रे और उसके बाद सा नी नी ध प और तीव्र मा। सो तो ये हुआ आपका सेकंड पोर्शन। अब जो थर्ड पोर्शन है उसके नोटेशंस हैं तीव्र म ध प प प तीव्र म। तो यहाँ पर जो तीन बार प है उसमें से पहले दो प जो हैं उसको एक साथ प्ले करना है और उसके बाद जो एक और प है जो तीसरा प है उसको अलग से प्ले करना है। कैसे प्ले करना है? तो पहले जो दो प हैं वो है ऐसा प, तुरंत तुरंत बजने वाला प, और उसके बाद जो तीसरा प है वो एक्सटेंड होगा बज के। सो ये तीव्र मा, उसके बाद ध, उसके बाद प प और उसके बाद एक बार और प जो एक्सटेंड होगा और उसके बाद तीव्र मा। सो ये आपका थर्ड पोर्शन है। अगेन तीव्र म ध प प, फिर से एक बार प जो एक्सटेंड होगा और उसके बाद तीव्र म। सो ये हुआ आपका थर्ड पोर्शन। और फोर्थ पोर्शन बहुत सिंपल सा, वो है ग रे रे तीव्र म ग ग, ग रे रे तीव्र म ग ग। सो ये है ग रे रे और उसके बाद तीव्र म। तीव्र म मतलब ओपन है तो इसको यहाँ से ऐसा फ्लिक करके ओपन करना है। सो ग रे रे और उसके बाद तीव्र म और उसके बाद ग ग। अगेन ग रे रे उसके बाद तीव्र म और उसके बाद ग ग। सो अगर तीसरे पोर्शन को और चौथे पोर्शन को कंबाइन करके बजाएंगे तो ऐसा बजेगा। थर्ड पोर्शन के नोटेशंस हैं तीव्र म ध प प फिर प और उसके बाद तीव्र म, और फोर्थ पोर्शन के नोटेशंस हैं ग रे रे तीव्र म और उसके बाद ग ग। तो ये हुआ थर्ड और फोर्थ पोर्शन। नाउ लेट्स जंप इनटू द फिफ्थ पोर्शन। जो फिफ्थ पोर्शन है उसमें बहुत सारे नोटेशंस एक साथ बहुत जल्दी जल्दी बजेंगे। सो इसके नोटेशंस हैं नी नी सा नी नी ध नी
and then ga re ma ga sa sa re. Again ni ni sa ni ni dha ni ga re ma ga sa sa re. यहाँ पे जो notations बज रहे हैं वो हैं ni ni sa, फिर ni ni dha ni, उसके बाद ga re ma ga, और उसके बाद sa sa re. तो ये notations हैं again ni ni sa, then ni ni dha ni, उसके बाद ga re, फिर ma, ये शुद्ध ma है, और फिर ga, उसके बाद सा सा, उसके बाद रे. अगर इसको बहुत धीमे देखें तो ये है नी नी सा, देन नी नी ध, देन नी, उसके बाद ग रे, फिर म ग, देन सा सा, एंड देन रे. सो तो ये जो बज रहा है इसको, ये लोअर ऑक्टेव में बज रहा है, आपको इसको हायर में बजाना है, इससे हायर ऑक्टेव में. सो जो सिक्स पोर्शन है इसका, जो फर्स्ट पोर्शन है अप टू तीव्रमा, वो बिल्कुल सेम है जो सेकंड हमने पोर्शन सीखा था उसके. सो वो था ये हमने सीखा था सेकंड पोर्शन, इसी में ऐड करना है अगेन. जो सिक्स पोर्शन है उसके नोटेशंस हैं सा नी नी ध प तीव्र म ग ग रे तीव्र म. जो सिक्स पोर्शन है इसके नोटेशंस का, जो फर्स्ट पोर्शन है वो बिल्कुल सेकंड पार्ट के जैसा है, जो सेकंड पार्ट में हमने सीखा था बिल्कुल वही है. तो उसमें सिर्फ ऐड हो गया है, वो है ग ग रे तीव्र म. तो जो सेकंड पोर्शन हमने सीखा था वो ऐसा था, ये था सा नी नी ध प और तीव्र म. तो इसी में ऐड कर देना है ग ग रे और तीव्र म, ऐसा धीरे से क्लोज करते हुए. सो ये बजेगा, अगर धीरे बजाएं तो क्या बजा रहे हैं, ग ग रे और तीव्र म. सो ये नोटेशंस हैं सा नी नी, ये तुरंत नी ऐसा बजेगा, सा नी नी ध प तीव्र म, और फिर ग ग रे, और फिर म तीव्र म है ये, और इसको धीरे से ऐसा क्लोज करना है. सो सेवंथ और एट्थ पोर्शन है वो बिल्कुल थर्ड और फोर्थ जो हमने अभी देखा, सेम वही पोर्शन है. तो उसके नोटेशंस हैं तीव्र म ध प प प तीव्र म, ये हुआ आपका सेवंथ पोर्शन. और एट्थ पोर्शन है ग रे रे तीव्र म ग ग, ये हुआ आपका जो एट्थ पोर्शन है वो. तो ये बजेगा कैसे, सेम वैसे ही जैसे हमने थर्ड और फोर्थ बजाया वैसे ही इसको सेवंथ और एट्थ को बजाना है, और यही आपका कंप्लीट करेगा जो सॉन्ग है उसको. सो अगेन सो तीव्र म ध, फिर प प, फिर जो प बजेगा वो एक्सटेंड होगा, और उसके बाद तीव्र म, ये सेवंथ पोर्शन हुआ, और उसके बाद ग रे रे, फिर तीव्र म, फिर ग ग. सो so,
So that was the whole tutorial, friends. If you like this video, subscribe to the channel, like this video, and share this video with someone who wants to learn flute. I'll be seeing you in the next video. Till then, bye bye, take care.